किस तरह से जीवन जीविका पे हमला किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, जो इस दौर का एक बड़ा चैलेंज है वो यही है कि पुलिस इनके जेब में, कॉलेज के टीचर्स इनके जेब में, HOD इनके जेब में, वाइस चांसलर इनके जेब में, पर ले दे के स्टूडेंट्स को अपनी जेब में नहीं कर पाए हैं। सरकार बनने में जो एक बड़ा हाथ है वो प्रोपेगेंडा का है। गांव देहात में उनको कुछ नहीं पता होगा आम इमली, पर उनको ये पता है JNU देश विरोधी है, DU देश विरोधी है ना। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, देश के विरुद्ध बात करते हैं, तो उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि गांव-गांव देहात में बैठे हुए लोगों को ये पता है, क्योंकि ये सरकार जो है, जो खुले तौर पे मनुवादी सरकार है, जो खुले तौर पे साइंटिफिक टेंपर के खिलाफ है, एजुकेशन के खिलाफ है, महिला के खिलाफ है, तमाम शोषित समाज से आने वाले लोगों के खिलाफ है, तो इससे तो एक ही राय है कि ये हटे, सत्ता छोड़े। मुद्दे पे स्टूडेंट्स उठ के आते हैं और स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं, अगर तुम समझ रहे हो हम मूर्ख हैं, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे दबाने से हम कुचल जाएंगे, दब जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये टीचर्स हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, ये टीचर्स हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, तो इन लोगों को मिटा दिया जा रहा है DU के इतिहास से। दूसरा चीज़ यही है, सिलेबस चेंज। यूनिवर्सिटी तक आने ही मत दो उस तबके को जो सवाल करेगा, यूनिवर्सिटी तक आने ही मत दो, गलती से आ जाते हैं तो सिलेबस ऐसा बना दो कि लोगों के अंदर सवाल करने का अंदर से ऑर्गेनिकली कुछ ना आए। तो किस तरह से एक बड़ा हमला है जीवन जीविका पे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। मैं अभी मौजूद हूँ 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 के सामने मौजूद हूँ, और हमारे साथ की महिला हैं। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार द्वारा ही, तो उसी को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसी के अंदर षड्यंत्र हो रहा है सरकार द्वारा। RSS और ABBB के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, नियुक्त करा जा रहा है, शिक्षकों को निकाल के उनको नियुक्त करा जा रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है, इन्हीं से हम जानेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, और कल आप देख रहे होंगे कि एकाएक रामजस में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता है ये जो प्रोटेस्ट शुरू होता है, जो एडहॉक्स के लिए जस्टिस मांग रहे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है, जो ये मांग कर रहा होता है कि जो ठेकाकरण है, कॉन्ट्रैक्चुलाइजेशन है नौकरी में, इसको ख़त्म किया जाए। और 15-15, 20-20 साल जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते आए हैं, जो 15-20 साल तक काबिल हैं, एक दिन, क्योंकि अब भाजपा ने ठान लिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उनको अपना लेबोरेटरी बनाना है और यहाँ पे अपने लोगों को नियुक्त करना है, तो 20 साल से 15 साल से पढ़ाए जाने वाले प्रोफेसर्स को उनको निकाल दिया जाता है। मतलब जो 15 और 20 साल से पढ़ा रहे हैं उन तक को निकाला जा रहा है, फिर गेस्ट टीचर को भी साथ ही साथ ही करा जा रहा होगा। बिल्कुल, उनके साथ भी हो रहा है, पर अब फॉर्मेट में चेंज है। पहले क्या होता था, एडहॉक्स अपॉइंट होते थे और परमानेंट अपॉइंट होते थे, गेस्ट फैकल्टी कुछ कोर्सेज में स्पेसिफिक होते थे। अब जो नियुक्ति हो रही है, अब एडहॉक कोई नहीं रहेगा, या तो वो परमानेंट होंगे या तो जो अपॉइंट होंगे वो गेस्ट होंगे। और हम देखते हैं इसी प्रक्रिया में, इसी साल की बात है, जब हिंदू कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जो 8-9 साल से पढ़ा रहे थे समरवीर, वो बाधित होते हैं आत्महत्या करने को। किस तरह से, आत्महत्या नहीं बल्कि सांस्थानिक हत्या है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हम देख रहे हैं लगातार मानसिक जो रोग है, मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं हमारे प्रोफेसर्स, किस तरह से जीवन जीविका पे हमला किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। तो ये हर तरह का जो एक क्रैकडाउन है टीचर्स पे, जिस तरह से ये लोग पॉलिसी के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति से विश्वविद्यालय, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय की सकल सूरत बदल देना चाहते हैं, हमारे सामने है। तो मतलब क्या कहेंगे, मतलब भाजपा सरकार है वो पूरा देश चला रही है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तो वही होंगे, तो मतलब उनका तो एक एजेंडा सेट ही होगा इसके ऊपर। बिल्कुल है, आप देखिए अम्बेडकर को सिलेबस से हटाया जाता है, सावरकर को लाया जाता है, गांधी को हटा के गोडसे को लाया जाता है, आलमा इकबाल का सिलेबस से हट जाता है नाम। हम यहाँ तक कि सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है, चेंज हो रहा है, नया नीति आ गया है। पहले 3 साल का BA करते थे हम लोग, अब 4 साल का BA आ गया है। 25 नंबर का इंटरनल देते थे, अब 75 नंबर का इंटरनल है। तो हर तरह से, किस तरह से एक क्लासरूम को ऐसा बना दिया जाए कि गलती से भी एक बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग ना सीख ले, सवाल करना, विरोध करना ना सीख ले। दो पैमाने होते थे, एक होता था सिलेबस जो हमें ये सवाल करना सिखाता है, एक होते थे वो टीचर्स, लक्ष्मण यादव जैसे, स्नेहा जैसे, पूजा जैसे, समरवीर जैसे, जो हमें सवाल करना, लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह समझना, स्टूडेंट होने का एक महत्व समझते हुए कि हमारा क्या योगदान है इस लोकतंत्र को शेप करने में, ये सब हमें वो लोग सिखाते थे। ऐसे तमाम प्रोफेसर्स को निकाल के और सिलेबस चेंज के माध्यम से नई नीतियाँ लाकर इस तरह से बना दिया गया है कि आप विरोध नहीं कर पाइएगा और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपको एक तरह का प्रोपेगेंडा क्लासरूम्स में फीड किया जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है इसमें भी कुछ खामियाँ हैं?
बिल्कुल खामियां ही खामियां है। एक एजुकेशन पॉलिसी जो कह देती है 60-40 के रेशियो में ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन होगा, भारत की अगर आप सूरत देखें कितने लोगों के पास इंटरनेट है, कितने लोगों के पास लैपटॉप है, ये कहता है कि आपको स्किल के नाम पे, वैल्यू के नाम पे कोर्सेज पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाया जा रहा है योगा, कारपेंट्री, क्या ये आपसे ये कह देना नहीं है कि अगर तुम किसी क्या कहते हैं कारपेंटर के बेटे हो, मैकेनिक की औलाद हो, गलती से विश्वविद्यालय में पहुंच गए हो, तो तुम्हें हम यही पढ़ाएंगे और तुम्हें हम निकाल देंगे ये पढ़ा के, तुम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स पढ़ के क्या करोगे? तो मतलब फिर आप इस पे क्या कहेंगे कि इसमें कुछ बड़े प्रदर्शन नहीं होना, जिस तरह की सरकार अपनी नीतियां ला रही है कि विरोध ना कर सके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज कर रही है अब, तो आपको लगता नहीं कि बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल, और हुए भी हैं। आप देखेंगे FYUP का ही पिछले 1.5-2 साल से जब से FYUP आया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, लगातार स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा कारण जो प्रदर्शन के बारे में पता नहीं चलता है, उसका बड़ा जो रोल है वो गोदी मीडिया का है, क्योंकि जो प्रदर्शन होते हैं उसको वो कवर नहीं करते हैं। दूसरा एक आप देखेंगे, आप इस यूनिवर्सिटी के अराउंड ही अगर आप चक्कर लगाएंगे, आपको ये बैरिकेड्स, पुलिस का प्रेजेंस, CRPF का प्रेजेंस, ये कभी नहीं होता था दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो अलग अलग तरीके भी हैं सप्रेस करने के, पर इस सप्रेशन के बावजूद कल जो रामजस में हुआ, आज जो जाकिर में हुआ, और लगातार समरवीर की जब हत्या हुई, लगातार ऐसे मुद्दे पे स्टूडेंट्स उठ के आते हैं और स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं, अगर तुम समझ रहे हो हम मूर्ख हैं, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे दबाने से हम कुचल जाएंगे, दब जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लगातार सप्रेशन के बावजूद स्टूडेंट का जो विरोध है वो और इंटेंसिफाई भी हो रहा है। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं सरकार के खिलाफ, कोई भी आता है, सरकार उसे विरोध नहीं करने देती है, पुलिस द्वारा उसे रोका जाता है कि बैरिकेड लगा दिए जाते हैं कि आप इससे आगे नहीं जाए जाएंगे, तो फिर कैसे विरोध कर पाएंगे इसका? जो इस दौर का एक बड़ा चैलेंज है वो यही है कि पुलिस इनके जेब में, कॉलेज के टीचर्स इनके जेब में, HOD इनके जेब में, वाइस चांसलर इनके जेब में, पर ले दे के स्टूडेंट्स को अपनी जेब में नहीं कर पाए हैं जो दिख रहा है। और एक बड़ी चीज़ जो ज़रूरत है इस समय की वो है शिक्षक, छात्र एकता, मजदूर एकता, किसान एकता, कर्मचारी एकता, दलित एकता, आदिवासी एकता, महिला एकता। और मुझे लगता है तमाम ऐसे शोषित समाज से आने वाले लोगों को गोलबंद करना होगा, लामबंद करना होगा, और तभी एक आंदोलन के रूप में हमें उतरना होगा। और यही आने वाले 2024 के चुनाव से पहले भी मुझे लगता है इसकी एक बहुत ज़रूरत है देश को। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कितने शिक्षक निकाले जा चुके हैं अभी और इतने सालों में, मतलब कितने निकल चुके हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों का तो जो आंकड़ा है वो 2,500-2,500 के करीब है, और इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों का आंकड़ा यूनिवर्सिटी रखती नहीं है। ये नंबर्स हैं और इनके लिए नंबर्स ही हैं, पर हमारे लिए एक एक नाम है, एक एक शख्सियत है जिन्होंने हम लोगों को, मैं मास्टर्स में हूँ, हम लोगों को जब BA में थी, खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यही टीचर्स हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, यही टीचर्स हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। तो इन लोगों को मिटा दिया जा रहा है DU के इतिहास से, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जा रहा है जिनका आप थीसिस देखिएगा तो स्वच्छ भारत पे है, हिंदुत्व के आइडिया पे है, गोलवरकर पे है, सावरकर पे है। तो एक तरह के लोगों से यूनिवर्सिटी को भर दिया जा रहा है, और लोग जो काबिल थे, जिनका आप देखिएगा कि क्रेडिबिलिटी था, जिन्होंने रिसर्च किया है, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ हैं उनके अंदर, एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के, उन टीचर्स को निकाल दिया जा रहा है। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी मतलब छात्र हैं जो मास्टर्स कर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके के मतलब सरकार को रणनीति अपनानी चाहिए कि सही दिशा में जाए, ऐसे इस तरीके का मतलब ना नियुक्ति करी जाए? बिल्कुल, और वो एक सवाल जायज़ है, पर इस सरकार से वो जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है, जो खुले तौर पर मनुवादी सरकार है, जो खुले तौर पर साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है, एजुकेशन के खिलाफ है, महिला के खिलाफ है, तमाम शोषित समाज से आने वाले लोगों के खिलाफ है। तो इससे तो एक ही राय है कि ये हटे, सत्ता छोड़े, क्योंकि हमें दिख रहा है अलग अलग तरह से भारत फ्रीडम इंडेक्स। हाँ, लेकिन भाजपा सरकार जिस तरीके से बताती है कि हमने बहुत काम करा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं हम, मतलब सभी चीज़ों पर बहुत काम कर रहे हैं, जनता हमें प्यार दे रही है, तभी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं, सबका शोषण हो रहा है, मतलब क्यों? बिल्कुल, और सरकार बनने में जो एक बड़ा हाथ है वो प्रोपेगेंडा का है। आप देखिए, इनके पास दुनिया भर का पैसा, धन बल, बाहुबल, और दुनिया भर का रिसोर्स है इनके पास, इनका IT सेल है। हम देखते हैं गांव देहात में, मेरे दादाजी किसान हैं, उनको कुछ नहीं पता होगा आम इमली, पर उनको ये पता है JNU देश विरोधी है, DU देश विरोधी है ना, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, देश के विरुद्ध बात करते हैं। तो उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि गांव गांव देहात में बैठे हुए लोगों को ये पता है। तो एक जो मानसिकता को फॉर्म करने में जो इनका हेल्प कर रहा है वो प्रोपेगेंडा है। दूसरा चीज़ यही है सिलेबस चेंज, यूनिवर्सिटी तक आने ही मत दो उस तबके को जो सवाल करेगा,
यूनिवर्सिटी तक आने ही मत दो, गलती से आ जाते हैं तो सिलेबस ऐसा बना दो कि लोगों के अंदर सवाल करने का अंदर से ऑर्गेनिकली कुछ ना आए। तो हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन बहुत है, अलग अलग तरह का कंट्रोल है, पर इसी बीच से एक आई थिंक एक बहुत बड़ा आंदोलन निकलेगा, क्योंकि यही वही ये वो देश है जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी आंदोलन लड़ा, तमाम स्टूडेंट्स की भागीदारी रही, और वापस से मुझे लगता है वापस से एक ऐसे ही हुकूमत एक ऐसे ही इमरजेंसी राज के खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। तो मतलब आगे आप आंदोलन करने वाले हैं इसके खिलाफ काफ़ी बड़ा? बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तमाम कॉलेजेस में जो हो रहा है स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, क्योंकि ये एडहॉक का जो मुद्दा है ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है। उनको परमानेंट की तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनका अगर डे घंटे के हिसाब से उनका पैसा कटता है, अगर वो छुट्टी कर लें तो पैसा कटता है, तमाम तरह का। आप PhD करके MPhil करके आप एक नौकरी लेते हैं, उसमें भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो किस तरह से एक बड़ा हमला है जीवन जीविका पे, और ये एक लंबे समय से सवाल रहा है। पर अब जिस तरह से खुले आम तमाम डिपार्टमेंट्स को खाली कर दिया जा रहा है, 10 में से 7 टीचर्स है ना, 12 में से 10 टीचर्स इस तरह से खाली कर दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है उसका एक फ्रस्ट्रेशन टीचर्स में तो है ही, पर स्टूडेंट्स में उससे ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से आपने देखा, ये DU के छात्र हैं, मास्टर्स कर रही हैं, बहुत ही सही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि जो शिक्षक हैं उनको निकाला जा रहा है, 12-12 साल की या 15-15 साल की नौकरियों फिर भी निकाल दिया जा रहा है, और RSS और ABBP के जो लोग हैं उनको भरा जा रहा है इसमें, उनको नौकरी नियुक्त कराई जा रही है, सरकार अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा रही है कि विरोध ना कर पाए, उनके खिलाफ सवाल ना उठा पाए, किस तरीके का देखिए आप जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है, अब आगे देखते हैं, इन लोग कहेंगे प्रदर्शन वगैरह करेंगे आगे, अब देखते हैं क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।